अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद आज मैं आपके लिए एक सच्ची और पुरसरार कहानी लेकर हाज़िर हुई हूँ तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दिसंबर की सर्द शाम थी मैं अपने हस्पताल में बैठा मरीजों का चेकअप कर रहा था उस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसी वजह से मरीज़ों की तादाद मामूल से कुछ कम थी मेरा नाम डॉक्टर इलियास है उन दिनों मेरी उम्र पैंतीस साल थी और शहर का एक मरूफ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होने की वजह से दूर दराज इलाक़ों से मरीज़ मेरे पास आते थे सर्दी की शिद्दत और मरीज़ों की कमी के बायस उस शाम मैंने सोचा कि मैं आराम कर लेता हूँ और अपने असिस्टेंट से कहा राशिद मैं ऊपर अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ तुम संभाल लेना अगर ना खास्ता कोई एमरजेंसी हो तो मुझे बुला लेना अभी हम बातें ही कर रहे थे कि एक मरीज़ आया जो बैसाखियों के सहारे बहुत मुश्किल और तकलीफ़ से चल कर आ रहा था उसके साथ कुछ लोग भी थे जो उसे सहारा दे रहे थे लिबास और व सूरत से वो किसी मोजिज़ और अमीर ख़ानदान के लोग लगते थे खैर मैंने मरीज़ को हमदर्दी से मेज़ पर लिटा कर उसका मुआयना शुरू किया दरअसल उसकी टांगों में मसला था मैंने कपड़ा हटाकर उसकी टांगे देखी तो हैरान रह गया दोनों टांगे मुकम्मल तौर पर जल चुकी थीं और उनमें ज़ख्म थे जिनसे पी बह रही थी बेचारा मरीज़ दर्द से तड़प रहा था पूछने पर मालूम हुआ कि एक पानी के तालाब में से किसी मोजी जानवर ने उसे काटा था इस वक्त ऐसा मर्ज़ मैंने पहली बार देखा था अपनी पेशा वाराना सलाहियत और उसकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री से मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इस बीमारी का वाद हल दोनों टांगे काट देना ही है वरना इन्फेक्शन का जिसम के बलाई अज़ा तक पहुँचना यकीनी है जिसका अंजाम जल्द मौत है मैंने उन लोगों को खुल कर सूरत हाल से आगाह कर दिया मरीज़ जिसका नाम साकिब था बोला डॉक्टर साहब मेरा ताल्लुक बहुत अमीर फैमिली से है मैंने अपने इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की है पैसा पानी की तरह बहाया है और फिर आपकी शोहरत सुनकर मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आया हूँ मैं आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा फीस दूँगा खुदा के लिए मेरा इलाज करें मैं किसी सूरत अपनी टांगों से महरूम नहीं होना चाहता अगर एक टांग का मसला होता तो बात और थी फिर वो फूट फूट कर रोने लगा मैं जानता था कि उसका इलाज मुमकिन नहीं है इसीलिए मैं उनका पैसा ज़ाया करवाना नहीं चाहता था मगर वो लोग किसी सूरत नहीं माने और कुछ वी आई पीज की सिफ़ारिशें करवाई जिनकी वजह से बहालतें मजबूरी मुझे साकिब को एक मखसूस कमरे में दाखिल करना पड़ा मैंने उसका इलाज शुरू कर दिया ताकि कम अज़ कम उसकी तकलीफ़ की शिद्दत कम रहे उसका ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं था साकिब हर वक्त तकलीफ़ से तड़पता रहता था आला और जदीद मेडिसिन भी फ़ेल हो रही थी बाकी मरीज़ उसकी चीखों पुकार से परेशान हो रहे थे मगर मैं मजबूर था उन दिनों मेरे दिल में बारहा ख्याल आता कि आखिर ऐसा कौन सा मूजी और ख़तरनाक जानवर है जिसने साकिब की ये हालत कर दी है अगर जहर फैलने का मामला होता तो टांगों के अलावा दीगर जिसमानी अज़ा मुतासर क्यों नहीं हुए बहरहाल मैंने उसके इलाज के लिए दीगर मरूफ और सीनियर डॉक्टर से भी मशावरत की मगर कोई हल ना निकल सका रोज रोज़ उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी इन्फेक्शन बढ़ रहा था मगर साकिब मेरी बात मानने से मुसलसल इनकारी था एक मरीज़ की वजह से मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई थी फिर मैंने उसे प्यार और हमदर्दी से कायल करने की कोशिश की मैंने उसे समझाया कि भाई आपकी बीमारी की किसी को समझ नहीं आ रही तमाम सीनियर डॉक्टर्स हैरान हैं क्योंकि ऐसा केस पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ एक्सीडेंट होना और गोली लगना तो मामूली बात है मगर तुम्हारा केस मुनफरद है लिहाजा अगर मज़ीद जीना चाहते हो तो मेरी बात मान लो अगर खुदाना खास्ता तुम मर गए तो ये मौत तुम्हारी खुदकुशी के मुतरद होगी मेरी बातें सुनकर वो गहरी सोच में पड़ गया फिर कदर तो के बाद बोला डॉक्टर साहब दुनिया के रंग निराले हैं लोग बहुत बातें बनाते हैं और लोगों की ज़िंदियाँ अजीरन बना देते हैं मगर अब मुझे लगता है कि मेरी मौत करीब है अब मैं आपको एक ऐसा सच बताता हूँ जिसे सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे बचपन से ही मुझे जंगलात महलात, पुरानी इमारतें और किले वग़ैरह देखने का बहुत शौक़ था मेरा ताल्लुक़ जागीरदार घराने से है मगर मैं अपने शौक़ की तकमील के लिए महकमा आषार कदीमा में भर्ती हो गया जिसकी वजह से मुझे मुख्तलिफ मकामा देखने और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करने के मौाक़े मिलने लगे एक बार सात अफराद पर मुश्तमिल हमारी टीम को एक स्पेशल असाइनमेंट के सिलसिले में दूर दराज इलाके में जाना पड़ा और हम एक लंबे और ख़तरनाक सफ़र के बाद एक वरान से इलाके में जा पहुँचे यही हमारी मतलूबा जगह थी हकूमत की जानब से हमें हुक्मन मिला कि इस जगह ज़रूर कोई अहम चीज़ दफन है लिहाजा इस पर फ़ौरी काम शुरू किया जाए वो गर्मी का मौसम था इंतहाई थका देने वाले सफ़र की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई हमें कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी आबादी से बहुत दूर होने की वजह से वहाँ पेड़ बहुत कम थे इसीलिए लिए वहाँ मौजूद कदरे बड़े और बहुत कदीम कब्रस्तान को ही हमने गनीमत समझा क्योंकि वहाँ पर पुराने और सायादार पेड़ मौजूद थे हमने अपना सारा सामान एक बड़े पेड़ के नीचे रखा जो कब्रस्तान के एन वस्त में मौजूद था हमारे ऑफिसर ने जल्द काम का सोचा और सबको थोड़ा आराम करने के बाद तैयार होने को कहा मेरी तबीयत ख़राब थी पूरे जिसम में दर्द हो रहा था जैसे हल्का हल्का बुखार हो इसीलिए मैंने उनसे कहा आप चलिए मैं थोड़ा मज़ीद आराम करके आपके पीछे आ रहा हूँ वो चले गए तो मैंने एक कपड़ा पेड़ के नीचे बिछाया और उस पर लेट गया अलबत्तः एक लोहे की मज़बूत सुलाख बतौर हथियार अपने पास रख ली ताकि खुदा न खास्ता कोई जंगली जानवर वग़ैरह हमला कर दे तो उससे बचाव किया जा सके ठंडी हवा की वजह से जल्द ही मैं नींद की वादियों में चला गया थोड़ी ही देर गुजरने के बाद अचानक किसी की मुझे बचाओ मैं मर गया मुझे बचाओ आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई इतहाई तकलीफ़ में मदद के लिए पुकार रहा हो फिर जल्द ही आवाजें आना बंद हो गई मैंने अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह देखा मगर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था इसीलिए मैंने उस बात को अपना वहम समझ कर जहन से झटक दिया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा तकरीबन पाँच दस मिनट के बाद वही मर्दाना आवाज़ें दोबारा आने लगीं बचाओ मुझे बचाओ मैं मर गया बचाओ मुझे मैं बर्बाद हो गया हाय अफसोस मुझे बचाओ इस बार आवाज़ों की शिद्दत में इजाफा हो चुका था और पुकारने वाले की आवाज़ों में बहुत तकलीफ़ कर्ब और बेबसी का इजहार वाजे था इस बार मैंने उसकी मदद करने का इरादा किया और आवाज़ों की सिमत बढ़ने लगा जो कब्रस्तान के शुमाली हिस्से की तरफ से आ रही थी कब्रस्तान में घास और दीगर झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी भड़ी हुई थीं मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो दोपहर के बारह बज रहे थे हर तरफ हु का आलम था मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था आवाज़ें भी बुलंद और वाजे सुनाई देने लगीं अब चीखों के साथ साथ किसी के मारने और गुस्से से कुछ कहने की आवाज़ें भी आने लगें जो मेरी समझ से बाहर थी गौर करने से मालूम हुआ कि ये भयानक आवाज़ें एक पुरानी कब्र से आ रही हैं एक बार तो खौफ से मेरा पूरा बदन लर्ज उठा मगर मैंने हिम्मत करके देखा तो मिट्टी कब्र से तकरीबन उतर चुकी थी मैंने जरूरत से काम लेते हुए कब्र खोदी। न ना जाने इतनी हिम्मत मुझ में उस वक्त कैसे आ गई कब्र का अंदरूनी मंजर देख कर मेरे औसान ख़ता हो गए बहुत भयानक मंजर था जो कि कुछ यूँ था एक मुर्दा बगैर कफन के लेटा हुआ है जगह जगह से उसका जिसम फटा हुआ था कहीं कहीं गोश्त और ज्यादातर हड्डियां ही नजर आ रही थीं। एक बहुत बड़ा नाग उसके गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था और वो बार बार मुर्दे के दोनों कंधों और गर्दन पर डस रहा था जबकि एक और काले रंग का खौफनाक नाग जो मुर्दे के पेट के अंदर मौजूद था वो मुंह बाहर निकाल कर उसके पेट और टांगों पर डस रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज जो मैंने देखी वो एक चूहे नुमा जानवर जो मुर्दे की छाती पर बैठा हुआ था जिसका साइज खरगोश जितना होगा वो उसकी पेशानी और दिल पर अपने नकीले दांतों से मुसलसल हमले कर रहा था वो जैसे ही हमला करता वो मुर्दा शिदत तकलीफ से तड़प कर एक फुट ऊंचा उछलता और फिर ज़मीन में धंस जाता नीज़ उसके पूरे जिसम पर आग लग जाती और उसकी दिल खराश चीखों पुकार से माहौल इंतहाई भयानक हो जाता और बेशुमार अजीबो गरीब कीड़े अलग से उसके जिसम को खा रहे थे और ये सारा अमल मुसलसल बग़ैर किसी वक्फे के जारी था मैं वो हैरतनाक और नाकबिल फरामोश मंजर देखकर फौरन वहाँ से भाग जाना चाहता था मगर न जाने क्यों मेरे दिल में ख़याल आया कि शायद बारिश की वजह से कब्र ख़राब हो गई है और कब्रस्तान और जंगल के की कीड़े और जानवर कब्र में दाखिल होकर मुर्दे को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं लिहाजा मैंने मुर्दे को उन जानवरों से छुड़ाने का फ़ैसला किया उस वक्त ये बात ख़ास तौर पर मेरे जहन से मुकम्मल तौर पर फरामोश हो गई थी कि अगर वाकई जानवर बाहर से कब्र में दाखिल हुए हैं तो मरने के बाद मुर्दा चीख और आवाज़ें कैसे निकाल सकता है खैर पहले तो मैंने उन जानवरों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डराया धमकाया मगर वो टस से मस्ना हुए फिर मैंने लोहे की सुलाख से उन्हें डराया मगर ये हरबा भी नाकाम रहा बाद मेरे गुस्से में, में आकर चूहे नुमा जानवर को सलाख से मारने के लिए उसे हवा में बुलंद किया तो उसने तेज और इंतहाई लाल आंखों से मुझे घूरा जो कि बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था फिर वो मुरते को छोड़कर मेरी जाने भड़ा अब मेरे पास वहाँ से भाग जाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था लिहाजा मैं सुलाख हाथ में पकड़े तेज दौड़ने लगा ऊंची नीची कब्रों और घास वग़ैरह की वजह से मेरे लिए दौड़ना मुश्किल हो रहा था भागते भागते पीछे मुड़कर देखा तो वो जानवर मुसलसल मेरा पीछा कर रहा था अलबत्त ख़ुशकस्मती से उसकी रफ़्तार काफ़ी कम थी दौड़ते दौड़ते अचानक एक कब्र से ठोकर लग कर मैं मुँह के बल गिरा सलाख भी मेरे हाथ से छूट कर दूर जा गिरी पीछे देखा तो वो मुसलसल मेरा ताकुब कर रहा था मैंने जल्दी से सुलाख उठाना चाही और घास में हाथ मारने लगा कि अचानक एक बारीक और इंतहाई गर्म खौफसदा हो गया उसे फौर कर भाग खड़ा हुआ मैं मदद के लिए मुसलसल अपने साथियों को चीख चीख कर पुकार रहा था मैंने उस वक़्त सोचा कि शायद मेरी मौत का वक्त आन पहुँचा है जिंदगी तो बहुत प्यारी होती है इसीलिए मुसलसल दौड़ता रहा कब्रस्तान से बाहर आकर भी उसने मेरा पीछा न छोड़ा और मुझे अपनी मौत यकीनी नज़र आने लगी क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से मेरा सांस जैसे रुक रहा था हल्क खुश्क हो रहा था और अब मज़ीद जदोजहद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहा था कोई रास्ता ना पाकर मैंने वहाँ मौजूद पानी के बड़े तालाब में छलंग लगा दी जो खलाफ तवक्को काफ़ी गहरा था मुझे नहीं मालूम कि मैंने पानी में क्यों छलांग लगाई बस मौत से बचने के लिए सब कुछ मैं गैर इरादी तौर पर कर रहा था मेरे दिल में यह बात आई होगी कि शायद वो जानवर पानी में दाखिल न हो मगर मेरा यह ख्याल भी ग़लत साबित हुआ और वो तालाब में भी दाखिल हो गया और मेरी जानेब भरने लगा अब बचने का कोई रास्ता नहीं था मगर मैं फिर भी ऊंची आवाज़ में मदद के लिए अपने साथियों को पुकारने में मसरूफ़ रहा फिर मैंने आखिरी बार तालाब के दूसरे किनारे से बाहर निकलने की कोशिश की और ख़ुशी की बात यह हुई कि मेरे साथी भी दौड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंच गए मैंने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की मैं आधा बाहर निकल गया अलबत्त टांगे पानी में मौजूद झाड़ियों में फंस गईं फिर उस जानवर ने अपने आखिरी हरबे की सूरत में अपने मुंह से थूकनुमा गहरे लाल रंग का पानी तालाब में छोड़ा जिससे फ़ौर ही सारा पानी बहुत गर्म और तेज़ाब की मानंद हो गया मुझे लगा जैसे मेरी टांगें आग के तंदूर में मौजूद हों मेरे साथियों ने पूरी कुवत से मुझे बाहर निकाला मगर देर हो चुकी थी मेरी टाँगें झुलस गईं दर्द और जलन से मेरा बुरा हाल था मैं तड़प रहा था किसी को कोई समझ नहीं आई कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है क्योंकि जानवर भी गायब हो चुका था दर्द की शदत से मैं बेहोश हो गया फिर मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली मैंने ये वाक्या किसी को नहीं सुनाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं लोग मुझे इस वाक्य से मंसूब करके इंतहाई गुनागार साबित करके मेरी ज़िंदगी अजीरन ना बना दें इसीलिए मैंने असल वाक्य किसी को नहीं बताया मज़ीद उसने मुझसे बहुत अदब और अतमाद से दरख्वास्त की ये बात किसी और से शेयर ना कीजिएगा अगर दुनिया को इबरत के लिए बताना ज़रूरी हुआ तो मेरा नाम नहीं बताएंगे और मैंने हाँ में सर हिला दिया उसकी मुकम्मल बात सुनने के बाद मैं उस मसले को किसी हद तक समझ चुका था और मैंने फैसला किया अपने पिरो मुरशद साहब से रबता करके एक आखिरी कोशिश कर लेनी चाहिए हो सकता है कि कोई रूहानी इलाज मुमकिन हो फिर मैंने शाह साहब को हॉस्पिटल आने की दावत दी जो कि उन्होंने कबूल की हॉस्पिटल आकर शाह साहब की मैंने उस मरीज़ से मुलाकात करवाई और शाह साहब को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया मरीज़ को मैं पहले ही एतमाद में ले चुका था पूरी तफसील सुनने के बाद शाह साहब बोले डॉक्टर इलियास मुझे एक ख़ास रूहानी अमल करना होगा और उसके लिए एक कमरा और कुछ ज़रूरी सामान दरकार है इन अमल से ही इस बीमारी के बारे में इल्म हो जाएगा उनके कहने के मुताबिक मखसूस कमरा और बाकी सामान मुहैया कर दिया गया फिर पूरी रात उन्होंने एक अमल खास किया और अगले दिन हमें ऐसी बात बताई जो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए बायस इबरत है उन्होंने सबकी मौजूदगी में हमें बताया साकिब एक अच्छा और नेक इंसान है और जो बीमारी उसे लगी है ये कोई सज़ा नहीं बल्कि दुनिया के लिए इबरत है दरअसल बात यह है कि साकिब को जिस जानवर की वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसका ताल्लुक आलम बरज़ से है ना कि दुनिया से इसीलिए उसका इलाज इस दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं है और जिस मुर्दे की कबर को इसने देखा था उसे आलम बरज़ के अजाबों में से कोई अजाब हो रहा था अगर इसने उन जानवरों को देख भी लिया था तो इसे उन्हें हरगिज छेड़ना नहीं चाहिए था इसने तो उनके काम में मुदाखलत की इसे फ़ौर वहाँ से दूर हो जाना चाहिए था हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि वरानों और कब्रस्तानों में अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए फिर शाह साहब ने साकिब को अपनी तरफ मतवजो करके प्यार और हमदर्दी से कहा बेटा साकिब, मैं अल्लाह ताला के फजलोक्रम से और उसके अता करदा इलम से इस दुनिया के अमराज का रूहानी इलाज कर सकता हूँ मगर आलम बरज़ से लगी किसी बीमारी का मेरे पास तो क्या किसी के पास भी कोई इलाज नहीं लिहाजा तुम्हें टांगे कटवाना पड़ेंगी अगर तुम इसी हालत में मर गए तो ये मौत खुदकुशी कहलाएगी और ख़ुदा न खास्तः तुम्हें भी आलम बरज़ में अजाब हो सकता है शाह साहब की बातें सुनकर साकिब का जिस्म खौफ से कांप उठा और उसने दोनों हाथ अपने कानों को लगाकर अल्लाह ताला से सच्ची तोबा की और हाँ में सर हिला दिया अब वो बहुत मुतमईन नज़र आ रहा था फिर उसी दिन उसकी काट काटती गईं और फिर हैरान कन तौर पर वो दीगर मरीज़ों की नस्बत बहुत जल्द ठीक हो गया बाद मेरी कोशिशों से उसे मसनू टाँगें लगा दी गई जिससे वो जल्द ही नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो गया उसके बाद उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई इस वाक्य के बाद मेरे दिल में पहले से ज़्यादा खौफ खुदा पैदा हो गया और मैं सोचने लगा कि हर मुसलमान ने रोज़े क़यामत तक कबर में रहना है फिर हम क्यों आलम बरज़क़ से गाफ़िल हैं अलहदुल्ला मैं तो अजाब क़बर से बचने के लिए दीन इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम मुसलमान भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर ज़िंदगी गुजारेंगे और अजाब कबर से महफूज रहेंगे तो व्यूअर्स कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें मजीद खौफनाक और सबक आमोज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें